तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे लाभ हानि के फॉर्मूले। तो देखो, लाभ हानि के फॉर्मूले देखते हो आप। तो लाभ कब होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा, और क्रय मूल्य खरीदा हुआ कम होना चाहिए, तब होगा लाभ, है ना, खरीदना। उसके बाद में हानि। हानि कब होती है? हानि तब होती है कि जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा में और विक्रय मूल्य कम में है, यानी कि बेचा गया मूल्य वो कम में होगा, तब जाके हानि होगी। उसके बाद देखते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकलेगा मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स। और हानि प्रतिशत देखते हैं। हानि बटे क्रय मूल्य, ध्यान रखना, इंटू 100, ये फॉर्मूले हो गए। तो जैसा कि मान लो, इसको अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये फॉर्मूले हैं लाभ हानि के, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ और हानि होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।